सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं के साथ सोमवार को पीटीए साइकिल यात्रा शुरू कर दी। इसको लेकर उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय होगा पक्का जब घूमेगा बदलाव का चक्का। बता दें कि हजारों सपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पीटीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक साइकिल यात्रा शुरू की गई है। रिपोर्ट देखिए। साइकिल पर सवार अखिलेश एक्सप्रेसवे पर कार्यकर्ताओं के संग निकले, मगर सवाल ये कि घूमेगा बदलाव का चक्का या फिर रास्ते में ही साइकिल पंचर हो जाएगी। अखिलेश यादव साइकिल यात्रा पर निकले हैं। बहुत दिनों से उन्हें साइकिल की सवारी करते हुए नहीं देखा गया था। इस यात्रा का नाम दिया गया है समाजवादी पीडीए यात्रा। अखिलेश यादव ने एनडीए के खिलाफ पीडीए का नारा दिया है, मतलब पिछड़े दलित और मुस्लिम। पीडीए के इसी दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर है। अब तक उनके रथ रूपी बस से यात्रा कर रहे अखिलेश यादव को अब साइकिल पर आना ही पड़ा। लगता है कि वो अपनी सियासी जमीन का एक इंच भी कांग्रेस को देने के मूड में नहीं है। यादव का मतलब पिछड़ा? स्टेडियम में मैच देखने नहीं गए थे क्या आप? पिछड़ा क्या हुए हम? क्या पिछड़ा ही ऐसा स्टेडियम बना सकता है? जो पिछड़ा होगा वो नाम बदलेगा। अब आज समझ में आ गई होगी, शायद अभी नहीं आई। ये पीडीए मतलब ए फॉर अगला, बोलिए आप ए फॉर सी। यही तो दिक्कत है आपके साथ, यही तो दिक्कत है, यही परेशानी है आपके साथ कि आप अगड़ा होकर भी स्वीकार नहीं कर रहे हो। पहले से चल रही है लगभग 5000 किलोमीटर, ये छात्र नौजवान और पार्टी के संगठन के लोग चल चुके हैं। 100 से ज़्यादा विधानसभाओं में गए हैं, कई महत्वपूर्ण लोकसभाओं से होकर के आ रहे हैं। ये पिछले कई दिनों से चल रहे हैं और आखिरकार ये आखिरी में यात्रा 22 नवंबर से पहले सैफई और इटावा में ख़त्म होगी। आज क्योंकि ये लखनऊ पहुँचे हैं। वैसे तो सियासत का अपना दस्तूर है, मगर पीडीए का नारा लगाए अखिलेश यादव संकेत दे रहे हैं कि 24 के चुनाव के लिए वो साइकिल पर कसरत करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। वैसे अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ है, वादा और इरादा अलग लोकसभा चुनाव के साथ लड़ने का है, लेकिन राहुल गांधी राज्यों के विधानसभा चुनावों में व्यस्त है। उसी वक्त अखिलेश यादव दूसरी तरह की रणनीति पर काम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा था एमपी का बदला हम यूपी में लेंगे, ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अब अखिलेश यादव उसी बदले की तैयारी में तो नहीं है पीडीए का नारा देकर। वैसे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। दोनों तरफ से ये दावा किया गया कि बीजेपी को हराने के लिए चुनावी तालमेल जरूरी था, पर ऐसा हो ना पाया। समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस को धोखेबाज होने का आरोप लगाती रही, मगर साइकिल को रफ्तार देकर अखिलेश यादव दिल्ली तक पहुंचने को बेकरार दिखाई देते हैं। वहीं बीजेपी कटाक्ष कर रही है कि अखिलेश साइकिल पर कितनी भी सवारी कर ले, जनता के मन में मोदी है। देखिए, कार्यक्रम करना हर राजनीतिक दल का अपना अधिकार होता है, लेकिन 2024 में जनता ने मन बनाया हुआ है कि तीसरी बार मोदी सरकार बनाएंगे, जिनका लोकसभा में कहीं कोई एक भी वोट देना माने अपने वोट को कुएं में डालना, तो कोई अपना वोट कुएं में नहीं डालना चाहता है। वो अपने विकास के लिए, अपने गांव के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने प्रदेश और देश के विकास के लिए वह भाजपा को चुन रहा है, मोदी जी को चुन रहा है, कमल खिला रहा है और सुशासन और विकास की गारंटी कमल का। इस साइकिल यात्रा का रोड मैप इसी तरह से बनाया गया था कि हर तरफ उनका काम काज यानी कि अखिलेश यादव के कार्यकाल का काम काज दिखाई दे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से शुरू हुई यह यात्रा जनेश्वर मिश्रा पार्क तक का रास्ता नापती दिखी। इस यात्रा में स्टेडियम, कैंसर अस्पताल, पुलिस हेडक्वार्टर और अमूल प्लांट दिखाई दिए, जो अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल के दौरान जिनका काम शुरू हुआ था। यकीनन अखिलेश का फोकस सामाजिक समीकरण को साधने के परे दिखाई देता है, साथ ही मुख्यमंत्री रहते कामकाज की मार्केटिंग पर भी उनका पूरा जोर है।
ये बात अलग है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में काम बोलता है का नारा अखिलेश यादव ने ही दिया था, मगर वो चुनाव हार गए। ऐसे में अखिलेश यादव साइकिल चलाकर पीडीए को कितनी रफ्तार दे पाते हैं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अखिलेश 24 तक साइकिल की सवारी करवाते भी हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ।